अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में बीए पार्ट टू के स्टूडेंट्स को लेटर राइटिंग के बारे में अहम मालूमात फराहम होगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखें ताकि आपको लेटर राइटिंग का आइडिया हो, कैसे इसका स्टार्ट लेना है और किस तरह आपने उसका बॉडी में मटेरियल डालना है और कैसे उसको कंक्लूजन तक और क्लोजिंग तक लेकर जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो लेटर डिस्कस किया जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, और ये बेस कर रहा है मल्टी टॉपिक्स पर। एक रेडीमेड एग्जांपल है आपके पास कि जब भी कोई लेटर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में आता है जो कि एडिटर के नाम लिखना होगा आप न्यूज़पेपर के, तो आप इसी से आइडिया लेकर किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं लेटर की तरफ। ये आपके सामने इसका स्टार्ट है, द इनसाइड एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल, आपने कॉमा पुट करना है, ए बी सी सिटी, डॉट्स पुट करने हैं बीच में, और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। और डेट में जैसा कि आपको मालूम है कि मई, जून, जुलाई, कोई सा भी मंथ आप लिख लें ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। एप्लीकेशन और लेटर में एक चीज़ जो कॉमन है वो आपका एग्जामिनेशन हॉल, ए बी सी सिटी, और उसके बाद डेट। इसके बाद हमने एडिटर के नाम, क्योंकि लेटर लिखने जा रहे हैं, तो द एडिटर कॉमा, उसके बाद वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है और किस न्यूज़पेपर को आप लेटर लिख रहे हैं। अगर ये मेंशन है आपके क्वेश्चन में तो आप लिखते हैं वही, वरना आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाकर उसका नाम लिख सकते हैं। द डॉन, और द डॉन अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर इन्वर्टेड कॉमास में है, और उसके बाद कॉमा, फिर जहाँ पर ये लेटर आप भेज रहे हैं उस सिटी का नाम आपने लिखना है, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, व्हाटएवर। इसके बाद एक और चीज़ कॉमन जो कि लेटर और आपकी एप्लीकेशन में है, जॉब एप्लीकेशन में, वो है सब्जेक्ट। और जो लेटर का सब्जेक्ट होगा वो मेंशन होगा आपकी लेटर के जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन पुट करेंगे, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की, जिस भी सोशल इवल पर, जिस भी प्रॉब्लम पर बात हो रही है, तो वो आप वहाँ मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, टॉपिक्स में आप लिख सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में लोड शेडिंग का हो टॉपिक, या प्राइस हाइक का, इन्फ्लेशन का, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन में सेट किया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है, तो आप सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वो टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सर कॉमा, और फिर जो लेटर की बॉडी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, थ्रू योर एस्टीम्ड पेपर, आपके एक मोजस अखबार के ज़रिए से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। देर इज नो डाउट दैट द पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक करनी है, और वही प्रॉब्लम जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो प्रॉब्लम, और जो आपका सब्जेक्ट था वही प्रॉब्लम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट लेंगे, और स्टार्ट में वही प्रॉब्लम, उसका नाम, अगर मैं फर्स्ट करें मिसाल देता हूँ, प्राइस हाइक है या इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज टेकिंग इट्स डीप रूट्स and its negative effects are influencing the individuals as well as our society. ये overall एक आप उस problem का introduction दे देंगे। इसमें आप मज़ीद कुछ lines add कर सकते हैं, कुछ जो भी topic है उसके बारे में मज़ीद कुछ दो तीन फिक्रे आप add करें, और finally आप I want to give the following suggestions to overcome दिस प्रॉब्लम, आप कुछ सजेशन दें, कुछ रिकमेंडेशंस दें, कुछ सिफारशात या तजावीज़ दें कि वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो एंड पर आप कंक्लूजन जब देंगे और कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन और आपके सजेशंस, ये इन दोनों का एक मिक्सचर आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। द गवर्नमेंट शुड गिव अ सीरियस थाट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट the causes to solve this problem. The people are afraid that if no step is taken soon, this problem will become very serious.
We are hopeful that concerned authorities will take strict action for solving this problem as soon as possible. और उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे yours truly और उसके बाद कॉमा then सिग्नेचर आपने लिखने हैं और उसके बाद एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड में आपने द डॉट्स जो हैं वो पुट करने हैं. तो यूं डियर स्टूडेंट्स एक आपको रफ सा आइडिया मिल गया है कि कैसे आपने लेटर लिखना है और इसकी लेंथ भी जो है वो 100 वर्ड्स तक होगी. इसी को आप प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह से और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप ले आएँ जो जब आप के सामने जो क्वेश्चन है वो आएगा और जो टॉपिक है इस पर आप लेटर लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.